हेलो हाय दोस्तों, आज मैं नाश्ते में गांव वाली पोहा बनाने जा रही हूँ। ठीक है, ये देखो मैंने इसमें लाल सरसों डाला है और अभी इसमें तेल थोड़ी कम है तो रिफाइंड डालूँगी। अब इसमें करी पत्ते ऐड कर रही हूँ दोस्तों। देखो आप सब ने आज नाश्ते में क्या बनाया है मुझे कमेंट करके बताना, और मेरे चैनल गुड आइडिया गुड वर्क सुनीता देवी चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, डिसलाइक भी करें दोस्तों। मेरे छत पे ही मेरे करी पत्ता मैंने लगा रखा है, एक करी पत्ता है और ये लाल सरसों है। आप देखो अभी मैं सरसों फ्राई हो गई है, अभी इसमें मैं करी पत्ता ऐड करती हूँ। इसके अंदर मैंने आलू कट करके रखा है, गाजर कट करके रखा है, एक टमाटर ले लिया है जिसका बीज मैंने निकाल लिया और एक हरी मिर्च है। अब मैं इसमें सबसे पहले गाजर ऐड करूँगी क्योंकि गाजर को पकने में थोड़ी ज़्यादा टाइम लगेगी। बादाम तल कर रखा है, थोड़ी सी सरसों तेल डालकर इसको तल लिया है। और ये दो प्याज है इसे भी मैं कट करके ऐड करूंगी।
ये मैंने 6 लोगों का मैं नाश्ता बना रही हूँ। मैंने 200-250 ग्राम चूड़े को धो लिया है। अभी जब तक मेरे सब्जी पकेंगे ये फूल कर रेडी हो जाएंगे। अब मैं इसमें आलू ऐड करूँगी। आपको जितनी सब्जी पसंद आए आप उसके हिसाब से ऐड कर सकते हो। हमारे यहाँ लोग ज़्यादा सब्जी वाली पसंद करते हैं तो मैं इसमें ज़्यादा सब्जी ऐड कर रही हूँ। और ये मैं प्याज को कट कर रही हूँ। ऐसे वेजिटेबल डालकर पोहा बनाने से दोस्तों एकदम ऊपर से सॉस डालने की भी जरूरत नहीं पड़ती और नाश्ते बहुत टेस्टी बनती है। प्याज आप अपने हिसाब से छोटी छोटी भी डाल सकते हैं और लंबी लंबी भी पतली पतली कट कर सकते हैं। आप सबसे रिक्वेस्ट है मैं जो भी बनाती हूँ मैं कैसे बनाऊँ कैसी टेस्टी होती है आप एक बार बनाकर जरूर खाएं। तभी आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। पहले एक बार बनाएं दोस्तों और खाएं। आप देखिए अगर ये 10 मिनट नहीं आकर पूरे वेजिटेबल सब्जी की भी जरूरत नहीं होगी और लगेगा मैंने ब्रेकफास्ट में ही लंच किया है। आप लंच में भी यूज कर सकते हो ब्रेकफास्ट में भी यूज कर सकते हो। मैं अभी मैं बाहर अमृतसर घूमने गई थी। मैंने अमृतसर का गोल्डन टेम्पल का मैंने वीडियो डाला है। मैं कुछ और भी वीडियो मैंने कुछ और भी वीडियो बनाया है वो सभी मैं आपको अपलोड करूँगी। अब देखो मैंने इसमें प्याज भी ऐड कर दिया। अब मैं गैस पर बढ़ा दूंगी ताकि जल्दी फटाफट बन जाए। टमाटर को कट करके क्योंकि ज़्यादा टमाटर पकने से अच्छे नहीं लगते। आप ऊपर से ही कच्चा टमाटर डाल के खा सकते हो। इसमें सॉस का जरूरत नहीं पड़े इसलिए मैंने
इस टमाटर को पहले ऐड किया है और जब सर्व करेंगे तो इसमें कच्चा टमाटर भी ऊपर से ऐड कर देंगे। अब मैं इसे ढक देती हूँ क्योंकि गैस मैंने फुल कर लिया है, इसलिए मैं इसे ढक कर पकाऊंगी। और ये हरी मिर्च है, आप अपना तीखा पसंद करते हो आप अपने हिसाब से उसमें हरी मिर्च ऐड करो। हम लोग थोड़ा तीखा पसंद करते हैं इसलिए मैंने इसमें थोड़ी ज़्यादा हरी मिर्च को लिया है। अभी देखो मेरी चूल्हे फूल कर पूरे रेडी है पोहा। और इसमें मैं नमक ऐड करती हूँ, नमक आप अपने अंदाज से ऐड करें। और इसमें थोड़ी सी इतनी सी चीनी ऐड करेंगे, इससे काफ़ी स्वादिष्ट पोहे बनते हैं। आप भी इसी तरह से बनाकर जरूर एक बार ट्राई करें। अब देखो देखो दोस्तों मेरी सब्जी रेडी है। अब मैं एक कढ़ाई, मेरी थोड़ी छोटी है तो मैं इस कढ़ाई में इसको बनाऊंगी आगे, क्योंकि मुझे ज़्यादा उन्हें बनाने हैं। अब इसमें मैं पलट देती हूँ और अब मैं इसमें पोहे ऐड कर देती हूँ। और इसमें थोड़ी हल्दी पाउडर ऐड कर देती हूँ ताकि पोहे देखने में अच्छे लगे और इसका स्वाद भी कुछ बिगड़ता नहीं, दोस्तों अच्छी नहीं होती। अब इसे दो से तीन मिनट भूनना है और ऊपर से आप इसमें बादाम को जो मैंने फ्राई करके रखा है उसे ऐड कर दूंगी। दो से तीन मिनट भूनूंगी और इसमें बादाम को भी ऐड कर दूंगी।
आप सब मेरे चैनल को डिसलाइक भी नहीं करते हो, लाइक भी नहीं करते, मेरी कहाँ मेरी गलती हो रही है जो आप लोग कमेंट करना भी पसंद नहीं करते हो। आप एक बार तो मुझे लाइक डिसलाइक करके हमारी गलतियों को बताओ, मैसेज कमेंट करें। अब इस तरह से बादाम को ऐड कर दूंगी, ठीक है। अब थोड़ी ढककर ही 2 मिनट और पकाऊंगी दोस्तों। और ये मेरा गांव वाली पोहा रेडी है दोस्तों। आप सभी इस तरह से पोहा बनाएं, खाएं और मेरे चैनल गुड आइडिया गुड वर्क सुनीता देवी चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, डिसलाइक करें दोस्तों। ओके, बाय।